Hello, welcome to Arbind Singh Academy. We are discussing inverse trigonometric function. पिछले दो क्लास में हमने बेसिक फॉर्मूला और उनके डेरिवेशंस बताए हैं. आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. उम्मीद है आपने फॉर्मूला अच्छी तरह से याद कर लिया होगा. इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं और फिर आगे कुछ और क्वेश्चंस जो बोर्ड में आए हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे. तो आज डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 2.1. और इस एक्सरसाइज को डिस्कस करने के लिए पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो लिखा है कि राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी है. प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन का जो रेंज होता है वो होता है कितना, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू. इसका अर्थ है कि अगर ये क्वाड्रेंट बनाई जाए तो कौन से क्वाड्रेंट में ये आएंगे. अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूं तो ये क्वाड्रेंट होंगे और इस क्वाड्रेंट में साइन जो होगा वो इधर होता है पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में होगा पॉजिटिव और इस क्वाड्रेंट में निगेटिव. यही है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू रेंज होता है. तो चूंकि ये निगेटिव वैल्यू है इसलिए इसमें होता है पॉजिटिव और इसमें होता है निगेटिव. ये निगेटिव वैल्यू है तो एंगल जो लाई करेगा वो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये है जीरो. और वन बाई टू किसकी वैल्यू होती है, साइन, साइन 30 की. तो ये होगा माइनस 30. यहाँ पे ये एंगल होगा माइनस पाई बाई सिक्स. इसलिए इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो होगा साइन माइनस पाई बाई सिक्स. तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं साइन माइनस पाई बाई सिक्स. चूंकि ये एंगल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है इसलिए साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा और ये आंसर हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन की प्रिंसिपल वैल्यू भी लिखनी है. अब कॉस के लिए क्वाड्रेंट अगर हम डिसाइड करें तो कॉस के लिए क्वाड्रेंट होता है जीरो से पाई, है ना, इसके लिए क्वाड्रेंट होता है जीरो से पाई. तो ये अगर जीरो है और ये पाई है, ये पाई बाई टू है, इस क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव और इस क्वाड्रेंट में होता है निगेटिव. ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि इस क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई करेगा. रूट थ्री बाई टू किसकी वैल्यू होती है, 30 की, पाई बाई सिक्स की. तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई सिक्स एंड इसकी वैल्यू हो गई कितनी, पाई बाई सिक्स आंसर. इसी तरह से कोसेक इनवर्स टू कैन बी रिटन एज, कोसेक इनवर्स टू कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स वन बाई टू. कैन आई राइट लाइक दिस, साइन इनवर्स वन बाई टू. और साइन इनवर्स जो है वो अभी आपने देखा जैसा कि पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो दैट कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स साइन पाई बाई सिक्स. और ये साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा यानी पाई बाई सिक्स. टैन इनवर्स, टैन कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव और पॉजिटिव होगा ये हम समझते हैं. टैन जो होता है वो भी होता है साइन की तरह, टैन होता है साइन की तरह. यानी ये जीरो है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये माइनस पाई बाई टू. यहाँ पे टैन निगेटिव होता है और इसमें टैन पॉजिटिव होता है. रेंज होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन इंटरवल. तो ये एंगल निगेटिव है तो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा. और रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, 60 की, लगभग 60 की वैल्यू होगी. ये डायग्राम्स थोड़ा सा और सुधार दूं, ये 60 की वैल्यू होगी लगभग. तो ये होगा माइनस 60 यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, यही से ले लेते हैं स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो ये हो गया माइनस 60 इस तरह का. तो ये एंगल होगा ये माइनस 60, है ना. तो एंगल हो गया ये माइनस 60, माइनस 60, 60 का मतलब पाई बाई थ्री. ठीक है ना, और यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में निगेटिव होना है तो इसलिए इसको लिख सकते हैं टैन इनवर्स टैन माइनस पाई बाई थ्री. ठीक है, दैट इज माइनस पाई बाई थ्री. रेंज जो होता है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होता है लेकिन ओपन इंटरवल के साथ.
अब पांचवा क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। यहाँ पे भी कॉस्ट निगेटिव है, तो निगेटिव है इसका मतलब किस में जाएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कहूं कि ये जीरो है और ये है पाई, ये है पाई बाई टू, है ना, तो इस क्वाड्रेंट में होगा पॉजिटिव और इस क्वाड्रेंट में होगा निगेटिव। चूंकि ये माइनस है इसलिए इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 वैल्यू होती है 60 की। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एंगल जो बनाएगा वो कितना होगा, ये एंगल जो होगा वो 60 जो होगा वो होगा -60। सो इसमें इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एंगल जो लाई करेगा वो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है ना। तो इसको हम लिखते हैं, इस क्वाड्रेंट में जो लाई करेगा उसको लिखेंगे पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस 60। तो कॉस इनवर्स पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई बाई थ्री, दैट इज 2π/3। ये एंगल लाई करेगा, ये एंगल होगा 2π/3। तो इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 2π/3, और ये चूंकि जीरो से पाई के बीच में है इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 2π/3। तो ये आंसर आपको लिखना चाहिए। इस तरह से आप प्रिंसिपल वैल्यू को लिख सकते हैं। कहीं पर प्रिंसिपल वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, और प्रिंसिपल वैल्यू अगर आप याद करते हैं तो आप इतने आसानी से इसको लिख पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7, 8, 9, 10 इनका क्या करना है, इनके भी इसी तरह से प्रिंसिपल वैल्यू लिखने हैं। तो हम कैसे लिखें इनका प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, ये इन सब का प्रिंसिपल वैल्यू आप लिख सकते हैं, उसी तरह से आप खुद लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसका सेक इनवर्स, जैसे 7th हम क्वेश्चन कर देते हैं, आप यहाँ बारी बारी से 7th है सेक इनवर्स 2/√3, दैट कैन बी रिटन एज कॉस इनवर्स √3/2, दैट कैन बी रिटन एज कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई सिक्स, √3/2, π/6 की वैल्यू होती है, तो π/6 इसलिए हो गया ये π/6। 8th क्वेश्चन जो है लिखा है cot inverse √3, that can be written as tan inverse 1/√3, और tan inverse 1/√3 is tan inverse tan π/6, and what is that, tan inverse theta is tan theta, so what is that, π/6। 9th क्वेश्चन जो है, 9th क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं, ये देखिए कैसे 9th क्वेश्चन इसको हम कर सकते हैं कॉस इनवर्स -1/√2, ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस -π/4, और ये पूरा एंगल है कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और ये फोर्थ सॉरी ये 3π/4 होगा, पाई माइनस पाई बाई फोर दैट इज 3π/4, तो ये होगा कॉस है ना, तो 3π/4, तो 3π/4 ये आंसर आएगा। 10th क्वेश्चन जो है वो है कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक इनवर्स थीटा इज सेक इनवर्स साइन इनवर्स 1/x, तो ये हो जाएगा -1/√2। साइन इनवर्स के लिए कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, पाई बाई फोर की वैल्यू 1/√2 होती है, तो -π/4, और ये हो गया साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो आपको ये देखना है कि प्रिंसिपल वैल्यू किस उसके रेंज में ही लाई करेगा, इसलिए आप इस 10 सवालों का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। नाउ आप क्वेश्चन नंबर 11 से आगे देखते हैं इनमें क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है 11, उसके बारे में आपको क्या करना है, लिखा है फाइंड द वैल्यू, ध्यान दें ये निकालना है वैल्यू,
फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। वैल्यूज निकालना है मतलब एक सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालना है, ये एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, तो सबका प्लस कर देना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन सब की प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी है। टेन इनवर्स वन, वन किसकी वैल्यू होती है, वन पॉजिटिव है और वन होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो टेन इनवर्स वन इज पाई बाई फोर। यहां लिख देता हूं, टेन इनवर्स वन इज नथिंग एल्स बट टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर, एंड व्हाट इज दैट, पाई बाई फोर। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये लिखने के बीच में जरूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए लिख सकते हैं, लिख रहे हैं। कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू, ये निगेटिव है तो ये थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सो कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री दैट इज टू पाई बाई थ्री, है ना, तो ये हो जाएगा टू पाई बाई थ्री। इसी तरह से साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ये किस में होगा, तो ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में वन बाई टू किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई सिक्स की, तो साइन माइनस पाई बाई सिक्स दैट इज माइनस पाई बाई सिक्स। अब इन दोनों को अगर जोड़े, इन दोनों को जोड़े तो देखिए क्या होगा, टू पाई बाई थ्री प्लस माइनस पाई बाई सिक्स दैट इज, ये हो गया फोर पाई बाई सिक्स माइनस पाई बाई सिक्स इज थ्री पाई बाई सिक्स, एंड थ्री पाई बाई सिक्स मीन्स पाई बाई टू। ये करने की जरूरत नहीं थी, हम आपको समझा रहे हैं इसलिए ऐसा किया, ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। क्यों, इन दोनों का सम क्यों हो गया पाई बाई टू, अरे फॉर्मूला तो होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाई टू। तो फॉर ऑल वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव ना सोचो, इसीलिए हमने यहाँ प्रूफ करके दिखाया कि निगेटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव है तो क्या होगा, वट एवर द वैल्यू विल बी, ये हो गया पाई बाई फोर लिखना था, इसके बदले पाई बाई टू लिखना था। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई टू होता है, इसलिए हमने इन दोनों के एक्स की जगह पर माइनस वन बाई टू था तो हमने पाई बाई टू लिख दिया, तो ये हो गया टोटल कितना, थ्री पाई बाई फोर, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, हमने इसको आपको समझाने के लिए और प्रूफ करने के लिए दिखाया कि कोई भी वैल्यू हो आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, एक है कॉस इनवर्स थीटा, दूसरा है टू साइन इनवर्स एक्स, तो अब इसमें कैसे करेंगे, तो इसमें भी आप चाहें तो लिख सकते हैं यहां पर कॉस इनवर्स वन बाई टू प्लस साइन इनवर्स वन बाई टू प्लस एक और साइन इनवर्स वन बाई टू, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलिए लिख सकते हैं ना। अब ये कॉस इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा क्या हो गया, पाई बाई टू, और साइन इनवर्स वन बाई टू क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई सिक्स, तो ये हो गया थ्री पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई सिक्स कितना हो गया, फोर पाई बाई सिक्स, फोर पाई बाई सिक्स कितना हो गया, टू पाई बाई थ्री, तो ये हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना, चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी हो सकता था कि क्या हम लिखते इसको, कॉस इनवर्स वन बाई टू को लिख देते कितना, कॉस इनवर्स वन बाई टू होगा 60 डिग्री दैट इज पाई बाई थ्री, और 2 इंटू साइन इनवर्स 1 बाई टू पाई बाई सिक्स, तो ये कट जाएगा 3 से, तो पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई थ्री इज 2 पाई बाई थ्री। तो ये भी तरीका है, अल्टरनेटिव आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी एक तरीका है। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है जी, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए 13 और 14 क्वेश्चन कैसे करना है। ये लिखा है साइन इनवर्स एक्स इज वाई, तो साइन इनवर्स एक्स क्या होता है बच्चों, साइन इनवर्स जो होता है एक एंगल होता है, और एंगल की रेंज है, ये वाई मतलब क्या है, एंगल है, और एंगल की रेंज किसने किसके बीच में होती है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होती है, क्लोज इंटरवल के साथ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम ये भी आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज आपने याद किया होगा, तो साइन इनवर्स एक्स जो है वो लाई करता है एंगल किसके किसके बीच में, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, तो इसलिए आंसर इसका बी होगा। 14 क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, उसमें लिखा है टैन इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स रूट टू। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप टैन इनवर्स, ध्यान से देखें,
रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स के बजाय कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सेक इनवर्स रूट थ्री पाई बाई थ्री के बराबर होगा और कॉस इनवर्स वन बाई टू जो होगा वो कितना होगा, तो पाई माइनस पाई बाई थ्री दैट इज टू पाई बाई थ्री, तो ये होगा टू पाई बाई थ्री के बराबर, है ना। टू पाई बाई थ्री निगेटिव है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट अप्लाई करेगा। पाई बाई थ्री माइनस टू पाई बाई थ्री इज व्हाट, इज माइनस पाई बाई थ्री, इसलिए आंसर इसका क्या होगा, बी होगा। ठीक है, आपको समझ में ये बात आ गई होगी, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। आप बड़े आसानी से बड़े प्यार से इसको प्रिंसिपल वैल्यू याद रखने के बाद कर सकते। तो आइए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपको फॉर्मूला अगर याद है तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। करते हैं इसके क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये दिया हुआ है। हमेशा ही ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको RHS से सॉल्व करना चाहिए। RHS में हम दिए हैं, मान लेते हैं पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा, सो व्हाट विल हैपन, x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब ये एक्सप्रेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, सो दैट कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा ये क्या होता है आपको पता है, ये है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो ये हो गया साइन 3 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन 3 थीटा तभी हम थीटा लिख सकते हैं जबकि ये थीटा किसके बीच में लाई करता हो, ये एंगल के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 थीटा मस्ट लाई, दिस कैन बी रिटन एज 3 थीटा इफ 3 थीटा मस्ट लाई बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। इसका मतलब थीटा पक्का लाई करना चाहिए माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 के बीच में। अब थीटा अगर ये लाई कर रहा है तो साइन थीटा किसके बीच में लाई करना चाहिए, साइन दोनों तरफ लगाएं तो क्या होगा, ये 1/2, ये साइन माइनस पाई बाई 2 1/2। इसका मतलब ये हुआ साइन थीटा किसको माना था जी, एक्स को, तो एक्स चूंकि माइनस 1/2 से 1/2 के बीच में है, यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया, तो इसलिए 3 थीटा जो होगा वो किसके बीच में लाई करेगा, वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा, इवन रिवर्स कैन बी रिटन आल्सो, तो ये हो गया 3 थीटा। और थीटा क्या है, थीटा है साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया आपका LHS। इस तरह से आप इसे प्रूफ कर सकते, ठीक है। LHS में जो कुछ भी प्रूफ करना है उसे RHS में मान लीजिए, ये सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है। x इज इक्वल टू साइन थीटा मान लिया तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, इसलिए यहाँ पे साइन इनवर्स x लिखा है और कोई बात नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन देखें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ढूंढते हैं, क्या है ये क्वेश्चन, क्या है जरा ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन के बारे में भी ऐसे ही कुछ लिखा है, 4x क्यू माइनस 3x, इसका मतलब है कि हम अगर पुट कर लें कि x इज इक्वल टू कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा, देन RHS विल बी 4 कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यू एक्स 4 कॉस क्यू एक्स थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू रख दिया, दिस इज कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा, राइट। तो सिंस थीटा एक्स लाइज बिटवीन किसके किसके बीच में है, हाफ से लेकर के वन के बीच में है, एक्स का मतलब कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हाफ से लेके वन के बीच में है, मतलब थीटा किसके बीच में है, थीटा जो है हाफ कितना होता है जी, थीटा हाफ का वैल्यू होगी वन होगा जीरो से लेकर के, और हाफ होता है 60 के बीच में, है ना, तो ये जीरो से वन के बीच में होगा,
ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए इन्वर्स लगाने पर ये फंक्शन क्या होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इधर वाला इधर और इधर वाला इधर हो जाएंगे। तो अब आप बताइए कि 3 थीटा कितना होगा, तो 3 थीटा 0 से लेकर के पाई के बीच में होगा, और आपको पता ही है कि 0 से पाई इसका रेंज होता है, तो ये 0 से पाई के रेंज में है, इसलिए इसको आप लिख सकते हैं 3 थीटा। उल्टा भी कर सकते हैं, सीधा भी दिखा सकते हैं। तो अब थीटा क्या है, थीटा यहाँ से कॉस इनवर्स इधर आएगा, क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स, यही है LHS और ये प्रूव हो गया। तो मुश्किल नहीं लग रहा है ना, आसान है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, टैन इनवर्स समथिंग प्लस टैन इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू टैन इनवर्स समथिंग, ये बहुत ही आसान और प्यारा क्वेश्चन है। इसको आप टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा के सीधे कर सकते हैं। वी नो, क्या जानते हैं हम, कि टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है, टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई प्रोवाइडेड एक्स वाई लेस देन वन, एक्स वाई इज लेस देन वन, ये होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं एक्स वाई इज लेस देन वन, यहाँ पे एक्स के बदले 2/11 है और वाई के बदले 7/24 है, दोनों को प्रोडक् ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7/132 जो कि एक से कम है, तो इसलिए ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है। अब इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, RHS से फॉर्मूला लगा दिए, tan इनवर्स x प्लस वाई दैट इज 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इंटू 7/24, ये फॉर्मूला लग गया। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे 7 × 11 24 × 2 48, एलसीएम नहीं लिया, 11 × 7 77 अपॉन 24 × 11 बच गया, नीचे में 24 × 11 24 × 10 11 इज 264, 264 माइनस 14 इज 250 राइट ना, डिवाइडेड बाई 24 × 11, ये चूंकि पूरे आराम से ये इससे कट जाएगा, इसलिए हमने यहाँ कैंसिल नहीं किया था। अब ये हो गया tan इनवर्स 7 + 8 15 कैरी 1, 7 + 4 11 1 12 125 अपॉन 250 एंड दिस कैन कैंसिल ट्वाइस टाइम्स एंड सो व्हाट विल बी आंसर, tan इनवर्स 1/2, यही प्रूफ करना था जो कि RHS है। तो फॉर्मूला अगर याद है तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ये सवाल कुछ इस तरह का है कि 2 tan inverse x + tan inverse x इज इक्वल टू tan inverse समथिंग। अब tan inverse x प्लस tan inverse y होता तब तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते, लेकिन यहां पर क्या है, 2 tan inverse x है, तो 2 tan inverse x का फॉर्मूला पहले लगाएंगे। 2 tan inverse x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला सीखा आपने, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ये सीखा है। तो यहां पर 2 tan इनवर्स 1/2 को लिख देंगे tan इनवर्स 2 × 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये पूरा ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो ऊपर बच गया 1, नीचे हो गया 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। अब ये पूरा चीज को लिखा जा सकता है tan इनवर्स 4/3, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसका मतलब है कि अब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, 2 tan इनवर्स यहां से इस 2 tan इनवर्स 1/2 के बदले tan इनवर्स 4/3 लिखा जा सकता है, 4/3 प्लस ये tan इनवर्स RHS सॉरी LHS है, ये LHS इज दिस tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, 4/3 1/7 का प्रोडक्ट भी xy लेस देन 1 है कि नहीं। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या लगेगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके सो व्हाट विल हैपन,
अब यहां पर इस फॉर्मूले को लगाएं तो ये मिल जाएगा टैन इनवर्स 7 4 28 प्लस 3 अपॉन 28 डिवाइडेड बाय 28 माइनस 4 अपॉन 28। तो ये हो गया आपका पूरा एक्सप्रेशन टैन इनवर्स 31 अपॉन 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा, 28 माइनस 4 ही 24, ये आ गया। अब शायद यही प्रूफ करना था, है ना, 31 अपॉन 17। ओके यस, दिस इज मिस्टेक हियर, 7 3 जा 21 माइनस 4, दिस इज 21 माइनस 4 राइट ना, 21 दिस इज 3 इज देयर नॉट 24, 4 इज नॉट देयर। सो हमें लिखना है यहाँ पे गजब की गलती हुई है, 7 4 जा 28 प्लस, ये तो सही था, 28 प्लस 3 अपॉन 28, 7 3 जा 21 अपॉन 21 एंड यहाँ पे हो गया 21 माइनस 4 अपॉन 21, ये 21 से 21 कैंसिल हो गया, ये 31 एंड 21 माइनस 4 इज 17, दिस इज आरएचएस और ये हो गया इसका प्रूफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख, राइट द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ऐसा लिखा है। आपको एक बात याद रखना चाहिए, जब भी आप क्वेश्चन करें तो आपको एक बात जरूर याद रखना चाहिए, वो कि कहीं पर भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर फंक्शन हो तो आपको पुट करना चाहिए एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फंक्शन हो तो आपको सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स को ए साइन थीटा पुट कर लेना चाहिए या ए कॉस थीटा, यहाँ पे ए टैन थीटा और ए कॉस थीटा एक ही याद रखें। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो एक्स को पुट करना चाहिए ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा, ठीक है। और इसके अतिरिक्त अगर कहीं पर ये हो a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अंडर रूट में, तो x को a cos 2 थीटा या a cos थीटा पुट कर लेना चाहिए, ये बात आप याद रखेंगे ना। तो यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, a के जगह पर क्या है 1, तो हमें x को a सिर्फ tan थीटा पुट करना है, पुट कर लिया x इज इक्वल टू टैन थीटा, x इज इक्वल टू टैन थीटा, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, है ना, अंडर रूट टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टैन थीटा, है ना, ये एक्सप्रेशन हो गया। सो व्हाट आई कैन राइट हियर इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स sec थीटा माइनस 1, sec थीटा माइनस 1 अपॉन टैन थीटा। अगर साइन बाई कॉस के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, साइन 2 का फॉर्मूला होता है ना 2 साइन ए कॉस ए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बच जाएगा टैन इनवर्स टैन थीटा बाई 2 और ये बच गया थीटा बाई 2 यानी 1 बाई 2 थीटा, और थीटा क्या है टैन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो अलग अलग क्वेश्चन आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आगे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस क्वेश्चन में लिखा है कि टैन इनवर्स, है ना, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हमने क्या कहा है पुट करने के लिए, पुट कर लीजिए एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बदले आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, और रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा बाहर आके क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो ये एक्सप्रेशन जो आपका है वो हो जाएगा टेन इनवर्स 1 अपॉन टेन थीटा, है ना, दैट इज टेन इनवर्स कॉट थीटा,
अब कॉट थीटा को लिख सकते हैं टैन इनवर्स टैन पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉट थीटा है ना, और ये क्या है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू से कम है, पाई बाई टू माइनस थीटा, तो इसको आप लिख सकते हो पाई बाई टू माइनस थीटा। और थीटा क्या पुट किया है, थीटा एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा, यानी थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, तो हम लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये हो गया इसका आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। ओके, इस क्वेश्चन में वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आप ये कर दीजिए कि यहां पे लिख सकते हैं आप टैन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये वन प्लस कॉस थीटा होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, टू से टू कैंसिल, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा बाई टू, रूट के बाहर आके टैन थीटा बाई टू, और ये बच गया थीटा बाई टू, और वन बाई टू थीटा का मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे थीटा है ही नहीं, ये तो एक्स था, तो हमें थीटा लिखने की आदत लग गई है इसलिए हमने ऐसे लिख दिया है, लेकिन आप माफ करें, ये है एक्स बाई टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ मिल जाएगा टेन एक्स बाई टू, और ये हो गया एक्स बाई टू, तो वन बाई टू एक्स आंसर, एक ही बात। तो ये तो इतने क्वेश्चन की आज आप प्रैक्टिस करें, और फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी और फिर बात होगी, ठीक है ना। इतने क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, तो थोड़ा सा आप और आगे भी कर पाएंगे, अगर आगे क्वेश्चन कर पाइए एक बार, मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा भी प्रयास करें। इतने सारे हमने तरीके बता दिए, और इतने सारे तरीके बताने के बाद जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको आप प्रयास करें, अगर आपसे नहीं हो, टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस, कीप वॉचिंग।